या सगळ्या घडामोडींवर आपण लक्ष ठेवून असणारच आहोत, पण आता आम्ही तुम्हाला भेटवणार आहोत एका यंग जिनियसला। एखाद्या जिनियसची ओळख ही त्याच्या अगदी बालवयातच होते असं म्हणतात आणि ही लहान मुलं सुद्धा अगदी तेव्हापासूनच त्यांच्या क्षेत्रामध्ये उत्तम कामगिरी दाखवायला सुरुवात करतात। नेटवर्क18 सुद्धा अशाच काही जिनियसना आपल्या भेटीला घेऊन येतं। बायजूज यंग जिनियस मध्ये आज आपण भेटणार आहोत तबलावादक तृप्तराज पंड्या याला। तृप्तराजच्या यशामध्ये खूप मोठा वाटा त्याच्या आई वडिलांचा आहे आणि त्यांच्याशीच बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी सुस्मिता पाटील यांनी। मधुबन में राधिका नाचे रे, तृप्तराज का तबला बाजे रे। मधुबन में राधिका नाचे रे, तृप्तराज का तबला बाजे रे। तृप्तराजला तबला वाजवायला प्रचंड आवडतं आणि त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन त्याने भारताचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे। तबल्यावरची त्याची बोटं थिरकतात अगदी तालामध्ये। त्याचे कुटुंबीय आपल्या सोबत आहेत। मुळात एका लहान वयातल्या मुलामध्ये नेमकं काय तुम्ही बघितलं की आज त्याच्या रूपाने भारताला एक उत्तम तबलजी मिला है? जब वो 2 ही साल का था तब हमारी गाड़ी में एक तबला पड़ा हुआ था रिपेयरिंग के लिए, जो किसने मुझे गिफ्ट दिया था। उसकी नज़र पड़ गई उसके ऊपर, तो उसने वो बोला इसको ऊपर ही लेके चलो, रिपेयरिंग को नहीं देना है, जैसा है वैसा ही। मुझे वो बोल नहीं सकता था लेकिन इशारों से बोला और हम वो तबला ऊपर लाए और रात को 1:30 बजे उसने अपनी माँ को उठाया। वो शोले का डायलॉग तब मुझे याद आया कि रात को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, लेकिन उसकी माँ में से वीणा जी ने, मेरी पत्नी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मुझे उठाया कि तृप्त बोलता है वो तबला बजाने का है रखा है। मैं बोला दे दो, कितना बजा? बोलता 1:30 बजा है। तो ठीक है, वो नहीं सोने देगा अपने को भी, ऐसा कर थोड़ा टाइम दे दे, खेल लेगा। और उसने जो गुजराती गरबे का ताल उसके ऊपर 2 साल की उम्र में इतना रिदमेटिक बजाया कि मैं फिर मेरी आँख खुल गई, तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया मेरे मोबाइल से और वही क्लिप मैंने गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजी। तो विदिन 3 days दे हैव गिवन अप्रूवल ऑफ दैट वीडियो कि भाई वी आर अप्रूविंग हिम एज ए 2 years तबला प्लेयर। लेकिन जैसे जैसे वो 5-6 साल का हुआ ये बढ़ता ही गया उसका, तो मुझे लगा कि अभी हम एप्लीकेशन डालते हैं। तब तक उसका ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में वाह रे वाह प्रोग्राम में, मराठी का प्रोग्राम आता है, उसमें उसने परफॉर्मेंस किया था। कभी कभी हम बोलते हैं कंपटीशन है तू जीत के आजा बजा के, तो बोलता है मैं कोई जीतने के लिए थोड़ा बजाता हूँ, मैं किसको दिखाने के लिए थोड़ा बजाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसके लिए मैं करता हूँ। जीनियस किड म्हणून त्याचा जो एक परफॉर्मन्स असतो तो तुम्हाला कसा वाटला किंवा तिथे गेल्यानंतर तुमचा अनुभव कसा होता? पालक म्हणून त्या प्रवासाला तुम्ही कसं सांगाल? यंग जीनियस में जब उसको सिलेक्शन हुआ काफ़ी कुछ 4-5 इंटरव्यूज़ उसके हुए थे और हमें एक दिन पता चला कि ही हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दैट। तो मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि यस समवन इज़ रिकॉग्नाइजिंग, नो डाउट गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ रिकॉग्नाइज, नेशनल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति जी के हाथों उसको अवार्ड मिला है। और ये जीनियस किड के हिसाब से बायजूस, मुझे लगा बायजूस एजुकेशनल एक्टिविटी ही करता है लेकिन दे आर रियली प्रमोटिंग दिस आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटी ऑल्सो, सो आई फील गुड अबाउट इट एंड दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। कांद कांद कांदा दादा दा मधुबन मेरा दिका नाचे रे। इतने सारे अवार्ड जो उसने जीते हैं, कितना अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है हमारे लिए, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और जब भी छोटा था तभी तो हमको ऐसा लगता कि कुछ साक्षात भगवान घर में सरस्वती माँ ने दे दिया है, क्योंकि कभी कभी तो वो इतना जिद करता था कि उसके ऊपर बैठ के सो जाता था। जब भी प्ले ग्रुप में था ये तो तबला लेके भी सो जाता था ऐसे बैठ के और बजाता रहता था। आपका टैलेंट तो हमने देखा ही है, कितना अच्छा लगता है। आगे जाके क्या प्लान है? आगे जाके बस इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में और आगे बढ़ना है, तबला प्लेइंग को और इम्प्रूव करना है और पूरे वर्ल्ड में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को और फैलाना है। यंग जीनियस में जब आपने पार्टिसिपेट किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक बहुत ही अलग जर्नी रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यंग जीनियस में मेरा बहुत एक एक्साइटिंग जर्नी था। मैं बहुत लोगों से मिला, उनके टैलेंट्स के बारे में जाना और बहुत मजा आया। तर आपण बघितलं तर फक्त तबल्यापुरतच नाही तर याच्या सगळ्याच कलागुणांना वाव मिळालेला आहे आणि म्हणूनच संगीतामधला एक मास्टरपीस, एक उत्तम तबलजी आपल्याला मिळालेला आहे। BYJU'S गणेश, सुष्मिता पदाणे, न्यूज18 लोकमत, मुंबई। आणि यानंतर आपण इथे एक ब्रेक घेतोय, पण ब्रेक नंतर बघणार आहोत आणखीही काही महत्त्वाच्या घडामोडी। पहा फक्त न्यूज18 लोकमत।